हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है एक खास मुलाकात। एक खास मुलाकात में आज हमारी जो मुलाकात है बहुत ही खास है, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो बहुत ही खास है। आप सभी ने इन्हें टीवी पर देखा है, इंटरनेट पर तो ये छाई हुई है, लेकिन ये एक मॉडल नहीं है, ये एक पायलट है। जी हाँ, मैं आपका तारुफ आज करवाने वाली हूँ और आज की मुलाकात करवाने वाली हूँ कैप्टन मोनिका खन्ना से। कैप्टन मोनिका खन्ना जो कि पायलट है स्पाइसजेट की, इन्होंने 185 पैसेंजर्स की जान बचाई और इसके बाद इस हीरोइक काम के बाद ये इतनी फेमस हो गई कि क्या कहने। तो हमें लगा इनसे करवानी चाहिए आपकी मुलाकात। तहे दिल से स्वागत करेंगे मैम आपका रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर टुडे। कैप्टन मोनिका, इफ आई आस्क यू, बीइंग अ पायलट, बचपन में बच्चे कहते हैं कि मैं बड़ा होकर प्लेन उड़ाऊंगा, तो आपका क्या सपना था? कि बचपन से सोचा हुआ था या ये प्लान्स बाद में नंबर आने के कारण या मार्क्स के कारण या कोई और आपका इन्फ्लुएंस रहा कि आप पायलट बने? देखो, मैंने बचपन में ना सोचा जरूर था कि मुझे पायलट बनना है, पर मुझे कमर्शियल पायलट नहीं बनना था, मुझे अपने पापा की पायलट बनना था। ओके। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जी। मेरे डैड की मोस्टली ट्रांसफरेबल जॉब्स रहती थी, तो वो टूर्स पे बहुत ज्यादा रहते थे। तो जब वो मेरा वाज अ किड, आई वाज वेरी मच अटैच टू माय डैड, तो कभी भी वो जाते थे ना, आई यूज्ड टू हग हिम, आई यूज्ड टू क्राई, एंड मैं उनको मना करती थी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, कहीं भी जाना मुझे लेके चले जाओ जी। बट ऐसा हो तो सकता नहीं था। तो एक दिन मेरे डैड ने ना मुझे ऐसे ही कहा, ठीक है, यू डू वन थिंग, मैं जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट के लिए, यू गो टू द यू नो टेरेस, और जैसे ही एयरक्राफ्ट ऊपर से जाता है वो दिखेगा ना, मुझे ना वेव करना, आई विल वेव यू बैक। ओके, ठीक है। तो ये मुझे लगा वाओ, दिस इज लाइक दिस गोना बी वेरी यू नो ग्रेट मोमेंट फॉर मी। तो उस टाइम पे जैसे मैं ऊपर जाती थी, पापा जैसे ही निकलते थे मैं बैठ जाती थी ऊपर टेरेस पे जाके 2 घंटे 3 घंटे, एंड उस टाइम पे ना एयर ट्रैफिक इतना होता नहीं था जी। इतने एयरक्राफ्ट तो हमें नहीं दिखते थे जितने आजकल दिखते हैं। कभी दिख जाते थे एयरक्राफ्ट तो मैं वेव करती थी, मैं नीचे आके मम्मी को बताती थी, देखो मेरे पापा गए हैं, मैंने पापा ने भी वेव किया, मैंने भी वेव किया। और जब नहीं दिखता था उस टाइम मुझे लगता था, ओ मेरे पापा की ना फ्लाइट शायद कैंसिल हो गई, ही इज कमिंग बैक। ओके। तो वही एक दिन सोचते सोचते ना मेरे दिमाग में आया, यार ऐसा क्या करूं जो पापा के साथ ही रहूं मैं। सो दैट टाइम आई थॉट कि यार पापा की पायलट क्यों नहीं बन जाती मैं। सो वहां से ये सपना स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कमर्शियल फ्लाइंग में जाऊंगी, तो मैं खाली पापा की पायलट बनना चाहती थी कि पापा जहाँ जाएंगे आई विल बी हिज पर्सनल पायलट। ओ वाओ। सो इमेजिन करिए कि एक छोटे से इंसिडेंट से इनका पूरा करियर डिसाइड हो गया और इनके करियर के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सपने पूरे करने की आकांक्षाएं जो है ना उन्हें भी पूरा करने का एक मिसाल बनकर आई हैं। मोनिका जी, वो ऐतिहासिक सवाल, मतलब मुझे लगता है इस क्वेश्चन के आंसर को आपने एन नंबर ऑफ टाइम्स दिया होगा एवर सिंस ये इंसिडेंट हुआ, और जहां कहीं भी आप जाती हैं लोग इस आपसे जरूर पूछते हैं, लेकिन हम हमारे सभी ऑडियंस के लिए, हमारे सभी लिसनर्स के लिए ये सवाल आपसे एक बार फिर से करने वाले हैं कि दैट मोमेंट जो आपने नॉर्मल आपका एक रूटीन डे था, पटना से फ्लाइट उड़ी है और आप सभी पैसेंजर्स को लेकर दिल्ली आने वाली थी, और उस वाले रूट पर मुझे लगता है इतने करोड़ों लोग हर रोज फ्लाई करते हैं, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आज का दिन ऐतिहासिक हो जाएगा, बट सडनली दैट इंसिडेंट हैपेंड और उसके बाद आपने उस हीरोइक डीड की और आप रातों रात फेमस हो गई। वो इंसिडेंट क्या था और एग्जैक्टली आपने कैसे किया, व्हाट वाज द करेज बिहाइंड, मैं चाहती हूँ आप हमारे सभी लिसनर्स को बताएं। 19 जून 2022 बहुत ही स्पेशल डे था, क्योंकि वो था फादर्स डे। यस। मैं अपनी फ्लाइट के लिए निकली थी दिल्ली पटना दिल्ली, आई वाज शेड्यूल्ड टू अपग्रेड। बहुत ही प्यारी फ्लाइट थी, जिसमें ये था कि मॉर्निंग की फ्लाइट थी वैसे भी, कि हम फटाफट फ्लाइट करेंगे, वी गोना गेट बैक होम, देन वी कैन सेलिब्रेट विद आवर फैमिली। यस। तो हम निकले दिल्ली पटना, हमने फ्लाइट करी, वी रीच वेल बिफोर टाइम इन पटना। पटना में ऑल माई क्रू एंड ऑल एवरीवन वाज हैप्पी कि चलो ठीक है, अब जल्दी घर पहुंचेंगे, हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे, जल्दी घर पहुंचेंगे। बट यू नो लाइफ इज वॉट हैपन्स टू यू वेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। यस। जैसा आप सोचते हो वैसा ना कभी होता नहीं है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे साथ उस दिन हुआ, पटना दिल्ली के लिए वी वर ऑल रेडी फॉर डिपार्चर। अनफॉर्चुनेटली उस दिन टेक ऑफ के टाइम पे एक बर्ड आके हमारे लेफ्ट इंजन पे हिट कर गई जी। ठीक है, बर्ड स्ट्राइक वैसे भी बहुत होते रहते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो इंजन में ही जाएगा, उसकी वजह से इंजन बंद हो जाएगा, इंजन से फ्लेम्स निकल आएंगे, वो फ्यूजलाज पे भी लग सकती है, वो विंग पे भी लग सकती है, वो बच भी सकती है। yes. ठीक है, बट वो दिन थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, बर्ड आई, बर्ड ने हिट किया इंजन पे, बर्ड हिट होने के बाद उस टाइम पे काम आती है जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ पे,
एविएशन में ट्रेनिंग बहुत ही वास्ट होती है, ठीक है, हमें हर एक चीज के लिए ना हमें पहले से ट्रेन किया जाता है कि ऐसे आपको करना है, दीज आर द प्रोसीजर्स यू हैव टू फॉलो, दिस इज हाउ यू नीड टू रिएक्ट. बट उसके ऊपर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज यू नो वो ट्रेनिंग सही टाइम पे यूटिलाइज करना, क्योंकि नो वन इज रेडी फॉर थिंग्स लाइक दिस. ठीक है, बंदा सोच के नहीं निकलता आज मेरी फ्लाइट में ऐसा हो जाएगा. वी ऑलवेज यू नो विश ईच अदर हैव अ सेफ फ्लाइट. दिस इज वंस इन ए ब्लू मून मोमेंट. ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंड. हमने उस टाइम पे, मेरे क्रू का बहुत ज्यादा सहयोग था मेरे साथ, पीछे जो पैसेंजर्स थे मेरे, मैं आज तक ना तहे दिल से ना उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ना बिल्कुल भी, मतलब कोई भी अगर फ्लेम्स देखेगा इंजन से भाई डर जाएंगे लोग. अगर मैं भी पीछे बैठी होती तो मैं भी डर जाती. उन्होंने बिल्कुल पैनिक क्रिएट नहीं किया. ठीक है, उनको उन्होंने विश्वास रखा पायलट्स का जो कॉकपिट के अंदर बैठे हुए, और उसी विश्वास की वजह से अपनी ट्रेनिंग इम्पार्ट करके जो हमें ट्रेनर से दी जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग इम्पार्ट करके पूरा ATC का, पटना ATC का बहुत सहयोग रहा था उस फ्लाइट में हमारे साथ. उन सब की वजह से, आई वुड से टीम एफर्ट की वजह से, वी वर एबल टू लैंड सेफली बैक टू पटना ऑन सिंगल इंजन. सो दिस इज द स्टोरी. इस कहानी को आज हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं जिन्होंने इस पूरी चीज को होते हुए देखा और किया. और वाकई बहुत आसान नहीं होता है, जिस प्रकार से कैप्टन मोनिका ने कहा कि ट्रेनिंग हर किसी को दी जाती है, हर क्रू को, हर फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर पायलट से लेकर हर इंसान को ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन सही वक्त पर आप अपनी उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करें, एंड जिसे कहा जाता है ना कि आप उस पर ऑफ मोमेंट में ये डिसीजन लें कि अब ये पूरे के पूरे जितने लोग वहां पर बैठे हैं उस फ्लाइट पर, उनकी जिम्मेदारी है मुझ पर और मैं उन्हें सेफली लेकर आऊंगी. ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद इसी कारण आज ये एक हीरो बन गई और बहुत सारे लोग इनकी जिंदगी से बहुत सारे इंस्पिरेशन डिराइव कर रहे हैं. कैप्टन मोनिका, अब हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों महिला हैं. मैं जरूर जानना चाहूंगी कि अब कहा जाता है कि हम 2023 में आ गए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी, मतलब महिलाओं के लिए तो आजकल कुछ भी पाना बहुत आसान है, बट क्या आपको वाकई लगता है वो इक्वालिटी या फिर वो एम्पावरमेंट आ चुकी है? मैं इसमें ना आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जब हम स्कूल जाते हैं, जी, कोएड स्कूल है, ऑलमोस्ट 50% लड़कियां वहां पे होती है, 50% गाइस. मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रही हूँ, बिल्कुल, ठीक है. उसके बाद आप कोई भी प्रोफेशन देखिए, मेजोरिटी ऑफ प्रोफेशन में देयर इज नॉट मोर देन 15 to max 20% ऑफ गर्ल्स. कहाँ जा रही है वो सारी की सारी लड़कियां? ठीक है, बोला जाता है, बट आई वुड से कि गवर्नमेंट काफी मेजर्स ले रही है, लड़कियों को प्रमोट बहुत किया जा रहा है. एक स्लोगन भी है, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, उसकी वजह से भी काफी लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना स्टार्ट किया है. बट जिस पेस पे ये होना चाहिए ना, उस पेस पे है नहीं आई गेस. दिस इज व्हाट आई बिलीव. सो ये जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की हम जब भी बात करते हैं, सो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वाकई आज भी कहीं ना कहीं इस जेंडर में इक्वालिटी नहीं है. बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी अपने सपनों का त्याग कर रही हैं, कारण ये समाज. कैप्टन मोनिका खन्ना, आप मुझे बताइए, आज के सिनेरियो में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो पूरी जर्नी है, इसमें आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा और क्यों? सबसे बड़ा सपोर्ट रहे मेरे पेरेंट्स, ठीक है, माय डैड, जो बचपन से ना एक ही चीज हमें बोलते थे, आई डोंट केयर अबाउट योर मार्क्स, हाउ मच यू स्कोर, आई रियली डोंट केयर, व्हाट आई वांट टू सी यू इज यू नो वर्किंग हार्ड. यस, अपना काम करते रहो, ठीक है, फल की चिंता मत करो. ये आपने सुना हुआ है ना, अपना काम करते रहो, फल की चिंता कभी मत करो, वो ही हमें बोलते थे. अगर आप अपना कंटिन्यू करोगे हार्ड वर्क, कई चीजें होती है, कई जगह ऐसी होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल, आप ना जैसे लोग अपने हॉरोस्कोप पे बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है, मेरे डैड भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह काफी करते थे, ठीक है, तो वो मुझे ऐसे समझाते थे, अगर तुम्हारे ग्रह खराब है ना, अगर ग्रह सही है, इट्स लाइक 100% आप काम करो, 100% आप काम करो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा या 120% मिलेगा. बट अगर थोड़ा सा भी कुछ कम है ना, व्हाट यू हैव टू डू इज वर्क 150% सो दैट यू गेट 100% रिजल्ट्स. तो उनका बेसिक यही था, बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, अपना काम जो तुम्हारा बनता है ना, व्हाट यू आर मेंट टू डू, ठीक है, वो आप करते रहो, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा. एट द सेम टाइम माई मॉम, जो पूरी मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, यू नो हर एक चीज के ना, उनका पूरा योगदान है मुझे बनाने में, उनके योगदान से, व्हाट आई हैव बीन टॉट बाय माय पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स आई एम सिटिंग
over here in your studio today. Yes. So this is what I feel. And हर बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर उनकी रूट्स ही सेट नहीं होती ना सही, तो आगे जाके ना वो वैल्यूज आपको कभी मिल नहीं सकती. दिस इज वेरी ट्रू. एंड ये पॉडकास्ट वगैरह मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, तो उसमें भी बोला हुआ, जो आप बचपन में जो संस्कार सीख लेते हो ना, ठीक है, वो आपको बड़े होकर वो बताती है कि आप क्या बनोगे. अगर आपको संस्कार वो वैल्यूज बचपन में नहीं दी जाती ना, तो बड़े होके आप सोचोगे वो मुझे आ जाए या कोई दूसरा इम्पार्ट करने की कोशिश करे आपके अंदर, नहीं हो सकता कभी. वाकई ये बहुत जरूरी है कि आपके वैल्यूज, आपका जो कल्चर है, वो आपकी असली पर्सनालिटी होता है. और जब कभी भी आप दुनिया में आगे किससे भी मिलते हैं, आप अपना एक नाम कमाते हैं, तो वो वैल्यूज आपके साथ रहती हैं और वही आपकी पर्सनैलिटी में झलकती भी हैं. इसीलिए हर इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्ट उसके पेरेंट्स होते हैं. कैप्टन मोनिका, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे आप ही के प्रोफेशन के चैलेंजेस. देखिए, हर प्रोफेशन बाहर से दिखने में बहुत ग्लैमरस लगता है. आप हमारी लाइन को देखें तो लोग सोचते होंगे इससे अच्छा प्रोफेशन हो सकता है. दिन रात आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आप लोगों से बहुत सारी बातें कर सकते हैं और ढेर सारे गाने आप सुन सकते हैं, सुना सकते हैं. लेकिन हर प्रोफेशन के अपने चैलेंज हैं. आपके प्रोफेशन में अगर मैं खास तौर पर महिला के रूप में आपसे जानना चाहूं, किस प्रकार के चैलेंजेस आप फेस करती हैं? महिला के रूप में आई वुड लाइक टू टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक होता है कि हम फैमिली पे इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, ठीक है. जो हॉलीडेज है, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज है, नेशनल हॉलीडेज है, वो हमें नहीं मिलते. Yes. इस साल मैंने दिवाली में भी अपने घर पे बनाई है, बट आई एम नॉट श्योर कि नेक्स्ट दिवाली में घर पे बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी. जी, जी, जी. तो फैमिली टाइम काफी कम हो जाता है उसमें. कई बार मिलता भी बहुत है और कई बार कम भी हो जाता है, बट आप किसी भी फेस्टिवल में नहीं कह सकते कि वी गोना स्टे एट होम. यस, ठीक है, एक ये है. दूसरी चीज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि बीइंग ए गर्ल थोड़ा आपको जज किया जाता है. यस, ठीक है. बी गवर्नमेंट काफी लॉज बना रही है, सब कुछ कर रही है, बट आई डोंट थिंक कि मेंटालिटी उस स्पेस पे लोगों की सही हो रही है, ठीक है ना. कहीं भी आप किसी भी प्रोफेशन में, आई एम प्रीटी श्योर आपका भी अगर प्रोफेशन देखा जाएगा, उसमें भी होता है लड़कियों को दे हैव टू प्रूव 200%, ठीक है, तो एक ही लेवल पे पहुंचने के लिए. तो सेम इज विद माय प्रोफेशन आल्सो, कि लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है एंड थोड़े ना जजमेंट्स लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा होते हैं. Yes. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपनी स्टोरी का, ठीक है. पटना तो सबको पता है, ठीक है. पटना से 2 महीने पहले की बात है, मैं फ्लाई कर रही थी दिल्ली टू जम्मू. जी, ठीक है. वी वर ऑल रेडी फॉर डिपार्चर, पुशबैक स्टार्ट हुआ एयरक्राफ्ट का. पुशबैक हो रहा था तो अनफॉर्चुनेटली पुशबैक होते हुए जो एयरक्राफ्ट का विंग था, दैट गॉट हिट विद द पोल. बट अब मैं बता दूं पुशबैक करता कौन है. पायलट्स हैव नो कंट्रोल ओवर पुशबैक, ठीक है. जो बाहर होते हैं, ग्राउंड पर्सनल होते हैं, वो पुशबैक करते हैं, ठीक है. उनसे गलती होगी जो किसी से कभी भी हो सकती है. अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई करो कुछ भी करो, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हर एक चीज में हो सकता है. उनसे गलती हुई एंड उसकी वजह से पोल पे हमारा एयरक्राफ्ट का विंग हिट कर गया. बट कॉकपिट के पीछे लोगों को क्या पता था, देयर इज अ वुमन इनसाइड. विद इन 2-3 आवर्स आई वाज ऑल ओवर द इंटरनेट कि कैप्टन मोनिका फ्लाई करती है तो ऐसा होता है, कैप्टन मोनिका पापा की परी फ्लाई करने लगेगी तो ये हो जाएगा, स्कूटी तो चलती नहीं है, फ्लाइट क्या उड़ाएंगे, ठीक है. ऐसी लाइंस आ रही थी. एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू विद इन लाइक 10-15 डेज सेम थिंग हैपेंड इन कनाडा विद सम वन ऑफ द एयरलाइन. पुशबैक करते हुए उनका भी पोल पे एयरक्राफ्ट हिट हो गया, ठीक है. उसके कमेंट्स अगर मैं पढ़ू ना अभी भी, तो वो ऐसे थे, 90% कमेंट्स वर लाइक फेवरेट पायलट्स, कि पायलट्स की कोई गलती नहीं है. बट मेरे जहां थे ना, जहां लोगों ने मेरे बारे में सोशल मीडिया में लिखा हुआ था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था 90% पायलट्स, 90% लोगों ने लिखा था कि ये पायलट्स की गलती है, नॉट एंड दैट टू नॉट पायलट्स, वुमेन पायलट. मैं मेल फर्स्ट ऑफिसर के साथ फ्लाई कर रही थी, बट उसका नाम कहीं नहीं आया. इट वॉज लाइक जस्ट अ लेडी. तो उस टाइम में ना मेरे ना बहुत मीम्स बन गए थे इस चीज को लेकर ना. बट कैसी ये नेगेटिविटी टर्न इनटू पॉजिटिविटी, ठीक है. उसके एक दो महीने के बाद जैसे ही पटना में कुछ हुआ, और मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने पोल वाले उसमें भी मैंने अपनी जॉब करी थी, आई डिड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा और एनीथिंग लेस, ठीक है. पटना वाले में मैंने अपनी जॉब करी है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया. जो मुझे सिखाया गया था मैंने वही ट्रेनिंग इम्पार्ट करी थी सही टाइम पे. पर वही लड़की जो मीम का एक मटेरियल बनी हुई थी, वो एकदम से बन गई भारत की बेटी. यस, ठीक है. तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ, पीपल विल ट्राई टू यू नो पुट यू डाउन, ठीक है, दे गोना बी एनवी ऑफ यू, बट डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस गो डाउन. यस, ठीक है. हमेशा अपने रूट्स ध्यान रखो, यू आर यूनिक एंड स्टैंड अप टू दैट.
दिस इज व्हाट आई वुड लाइक. व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज मोनिका शेयर्ड. एंड इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है. मतलब ये दुनिया है और इस दुनिया में एज लॉन्ग एज यू आर अ वुमन और अ गर्ल, जजमेंट आपके ऊपर हमेशा ही रहेगा. लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि कितनी कॉन्फिडेंटली आप उन सारे जजमेंट्स को नकार पाते हैं. जिस प्रकार वाकई सही कहा इन्होंने कि पापा की परी से ये भारत की बेटी बनी, ये जो एक स्टांस है वाकई ये जज करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि जब आपसे एक छोटी सी गलती हो जो कि आपसे नहीं भी होती तो लोग ये कहते हैं कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं. सो वाकई ये जिंदगी है, लेकिन ये जिंदगी बहुत सारे ऐसे ही किस्सों से बनी होती है और यही किस्से आपकी जिंदगी की असली कहानी बन जाते हैं. कैप्टन मोनिका, ढेर सारी बातें आज हमने आपसे की और बहुत सारा समय आज आपका लिया. तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को आज आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी. जाते जाते हमारे सभी ऑडियंस के लिए क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी? मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि हर बच्चे में ना कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. ठीक है, आप अपने बच्चे को उसकी हेल्प करिए वो उसका टैलेंट जानने के लिए. लाइफ में इट्स लाइक आई कैन बी ए इंस्पिरेशन टू समवन बट नोबडी शुड कॉपी मी. यस, कॉपी कभी मत करो किसी को. आपके अंदर जो टैलेंट है उसको नर्चर करते रहो एंड अगर वो करोगे एंड लिव योर ड्रीम्स. अगर आज आप कुछ सोचते हो ना और उस पर डटे रहते हो कि हाँ मुझे करना ही है, एंड अबव दैट अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क एंड द मैनिफेस्टेशन, आई डू बिलीव अ लॉट इन मैनिफेस्टेशन. अगर आप ये दोनों चीजें करते रहेंगे ना, आज नहीं तो कल ना, जो मैं हूँ और ये मेरे से और भी बहुत ज्यादा ऊपर लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, आप अब जो आपने अपने लिए सोचा ना कौन सी ऊंचाइयां आप पे आप जाना चाहते हो, आज नहीं तो कल पक्का पूरा होगा. जस्ट कंटिन्यू ऑन डूइंग हार्ड वर्क, दैट्स इट. सो आई थिंक द वाकई बहुत अच्छा सा मैसेज है. एंड आई टोटली बिलीव इन योर सेल्फ. जब तक आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपने सपनों की उड़ान को उड़ते रहेंगे. और बहुत खूबसूरत बात कैप्टन मोनिका ने कही है कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए और किसी को अपना इंस्पिरेशन बनाइए, लेकिन कॉपी मत करिए. ये जो CCP का जमाना है ना, ये काफी आउटडेटेड हो गया है. इसलिए कट कॉपी पेस्ट नहीं, अपनी ही ओरिजिनल कॉपी बनिए. इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कैप्टन मोनिका, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी. थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली मीटिंग यू. दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं. आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.2 FM के साथ. फील गुड, फील लाइव.